गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन ENV वी आर गोइंग टू रीड अ लेसन नंबर 19, गुड मैनर्स एंड हैबिट्स। यस्टरडे वी कंप्लीटेड हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस लेसन, राइट? टुडे वी आर गोइंग टू रीड दिस लेसन GOOD, गुड मैनर्स, MANNERS, मैनर्स, गुड मैनर्स एंड हैबिट्स, ANDS, एंड HABITS, हैबिट्स, गुड मैनर्स एंड हैबिट्स, यानी कि हमारी अच्छी आदत है। फर्स्ट यू टू राइट क्लास वर्क एंड टू डेज डेट 26/3/2021। हेलो, आई एम अलीशा। हेलो, आई एम अलीशा, यहाँ पे क्या लिखा है? हेलो, HELLO, हेलो, आई एम अलीशा, आई AM अलीशा, ALISHA। जब हम किसी को मिलते हैं तो हम हमारा इंट्रो देते हैं, तो हम पहले कैसे ग्रीट करते हैं? हाय, ओ यार, हेलो, ऐसे करते हैं, हेलो आई, फिर अपना नेम बताते हैं हम लोग, राइट? तो यहाँ पे अलीशा ने अपना इंट्रो दिया, हेलो आई एम अलीशा, वो ऐसा कह रही है, हेलो मैं अलीशा हूँ, राइट? पीपल से दैट आई एम अ गुड गर्ल, PEOPLE, पीपल यानी कि लोग जो होते हैं वो, पीपल से SA से यानी कि कहना, दैट THAT, दैट आई AM अ गुड गर्ल, GOOD, गुड गर्ल, GIRL गर्ल, पीपल से दैट आई एम अ गुड गर्ल, यानी कि पीपल यानी कि जो लोग हैं वो कहते हैं कि मैं अच्छी गर्ल हूँ, यानी कि गुड गर्ल हूँ, राइट? आई हैव गुड मैनर्स एंड हैबिट्स, आई HAVE हैव GOOD, गुड मैनर्स, MANNERS, आई हैव गुड मैनर्स एंड HABITS, हैबिट्स। क्यों अलीशा को सब गुड गर्ल कहते हैं? क्योंकि वो उसके पास वो अच्छी आदत है उसके पास, राइट? वो मैनर्स में रहती है, किसी को ऐसे, क्योंकि वो गुड हैबिट्स, उसके पास गुड हैबिट्स एंड मैनर्स में वो रहती है, इसीलिए वो सबको अच्छी लगती है। कोई किसी के घर पे हम जाए या किसी के हम आवाज़ उठा के बात करते हैं बड़े होते हैं हमसे, या किसी के घर पे जाए तो हम कोई भी चीज़ को यहाँ वहाँ छूते हैं नहीं, वो अपना वर्क वो सब टाइम पे कर लेती है, वो उसके पास गुड हैबिट्स है, इसीलिए वो सबको अच्छी लगती है, राइट? आई लर्न, ALEARNED, आई लर्न, LEARNED, आई लर्न गुड मैनर्स एंड picked up, PICKEDUP, picked up good habits at home and in the school, यानी कि अच्छी मैनर्स एंड अच्छी हैबिट्स वो कहाँ से सीखती है? अपने घर से, अपनी मम्मी पापा को देखकर, अपने बड़े भाई हो तो वो बड़े भाई बहन से देखकर, और जो उसके घर में बड़े रहते हैं तो वो लोग हमें अच्छी आदतें सिखाते हैं, राइट? और स्कूल में टीचर्स होती है अपनी अच्छी आदतें सिखाने के लिए, राइट? तो वो कहाँ से गुड मैनर्स एंड हैबिट्स सीखी है? अपने घर से और स्कूल से। अगर हमसे कोई बड़े होते तो हम उससे बदतमीजी से बात करते हैं नहीं, है ना? हम उसके रिस्पेक्ट करते हैं, कोई भी हमारा काम होता है वो हम खुद से कर लेते हैं, है ना? हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम प्लीज़ बोलते हैं, हमसे कोई गलती होती है तो हम सॉरी बोलते हैं, राइट? फिर हमें कोई चीज़ कोई दे तो हम क्या बोलते हैं? उसे थैंक यू कहते हैं, राइट? तो ये सब अच्छी आदत है, तो वो सब हम कहाँ से सीखते हैं? अपने घर में जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े माँ बाप होते हैं उससे हम लोग सीखते हैं, भाई बहन होते हैं, दादा दादी, वो सब हमें ये सिखाते हैं, राइट? और स्कूल पे टीचर सिखाते हैं, यस। तो गुड मैनर्स एंड हैबिट्स अलीशा है वो कहाँ से सीखी है? अपनी स्कूल से और घर से सीखी है, राइट? सम गुड मैनर्स एंड हैबिट्स, यहाँ पे दिए हैं सम गुड मैनर्स एंड हैबिट्स, यानी कि अच्छी आदतें यहाँ पे दिखाई गई है, राइट? SOME, सम, GOOD, गुड मैनर्स, MANNERS, मैनर्स, एंड ANDS, एंड हैबिट्स, HABITS, सम गुड मैनर्स एंड हैबिट्स।
I respect R-E-S-P-E-C-T respect. I respect my elders E-L-D-E-R-S elders यानी कि जो हमसे बड़े होते हैं उम्र में उसे बोलते हैं हमसे elders हमसे बड़े हैं. And teachers T-E-A-C-H-E-R-S I respect my elders and teachers. Respect यानी कि आदर करना. आप अपने फ्रेंड के साथ बात करते हैं वैसे आपने टीचर्स और आपके आपसे जो बड़े होते हैं उसके साथ ऐसे बात कर सकते हो आप नहीं, आप उसको आदर करके बुलाते हो राइट. टीचर्स टीचर से कोई भी काम होता है तो आपने आप फ्रेंड को बुलाते हैं वैसे आप बुलाते हो नहीं. अपने से जो बड़े होते हैं हमें उसे कैसे बुलाते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हो उसके साथ राइट. आई लिसन टू वॉट दे से. आई लिसन यानी कि सुनना L-I-S-T-E-N लिसन यानी कि सुनना. टू वॉट W-H-A-T वॉट दे से T-H-E-Y दे S-A-Y से यानी कि कहना. आई लिसन टू वॉट दे से यानी कि हमारे टीचर्स और हमसे जो बड़े होते हैं वो लोग जो हमें कहते हैं वो मैं सुनती हूँ है ना. वो लोग हमारे अच्छे के लिए ये सब कहते हैं तो हमें उसकी बात माननी चाहिए और उसकी बात सुननी चाहिए राइट. I always wish my teachers when I meet them. I always A-L-W-A-Y-S always यानी कि हमेशा. wish W-I-S-H wish wish यानी कि यहाँ पे wish का मीनिंग है greet करना. like मैं मेरे टीचर्स को जब मिलता हूँ तो मैं उसे wish करता हूँ good morning है ना. हम लोग सुबह में टीचर को मिलते हैं तो हम बोलते हैं good morning. अगर afternoon में मिलते हैं तो good afternoon कहते हैं. वैसे हम टीचर को जब भी मिलते हैं तो हम उसे wish करते हैं right. I always wish my teachers when I meet them यानी कि मैं जब उस टीचर को मिलता हूँ तब मैं उसे हमेशा wish करता हूँ right. I say please P-L-E-A-S-E P-L-E-A-S-E please. I say please if I want something. want यानी कि चाहिए, something यानी कि कुछ भी. मैं जैसे हमें कुछ भी चाहिए होता है अगर किसी के पास से तो हम लोग क्या बोलते हैं please please give me this. हम क्या बोलते हैं please मुझे ये दे दो right. हमें उसे कैसे बोलते हैं please के कहीं request करके ही बोलते हैं ना कि ये मुझे दे. हम ऐसा बोलते हैं ये मुझे दे दो ऐसा बोलते हैं नहीं ये मुझे दे दोगे आप प्लीज़ ऐसा हमें रिक्वेस्ट करके ही बोलना है प्लीज़ ओके. आई से प्लीज़ इफ़ आई वॉन्ट समथिंग अगर मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं प्लीज़ कह के बोलता हूँ राइट. आई से थैंक यू T-H-A-N-K थैंक Y-O-U-U आई से थैंक यू When I get something, यानी कि मुझे कुछ मिलता है कोई हमें कुछ देता है ना. सामने से कोई हमें कुछ देता है लाइक हमें गिफ्ट मिलती है मम्मी पापा हमें कुछ देते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं थैंक यू. हम लोग क्या बोलते हैं थैंक यू बोलते हैं राइट. वैसे ही कोई हमें देता है तो हम उसे सिर्फ लेके चले जाते ऐसा करते हैं नहीं. हम उसे थैंक यू उसका आभार थैंक यू यानी कि हम उसका आभार मानते हैं ना. आई से थैंक यू व्हेन आई गेट समथिंग राइट. I say sorry if I do something wrong यानी कि मैंने कुछ गलत कर दिया है मेरे से कोई गलती हो गई है. हम किसी की कोई भी चीज़ लेते हैं और वो हमसे गिर जाती है या टूट जाती है फिर घर पे हम लोग कोई मस्ती कर देते हैं या किसी को हर्ट कर देते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं सॉरी यानी कि मुझे माफ़ कर दो क्षमा कर दो ऐसा हम लोग सॉरी बोलते हैं राइट. आई से सॉरी इफ़ आई डू समथिंग रॉन्ग यानी कि मैंने कुछ गलत किया है तो मैं सॉरी बोलूँगी है ना. हमें हमेशा बड़े या अपने फ्रेंड्स को भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े और टीचर्स को ही रिस्पेक्ट देनी है. हमारे फ्रेंड्स है तो उससे भी ये सब हम लोग कुछ चाहिए होता है फ्रेंड से भी तो भी उसको प्लीज़ बोलना है उसको थैंक यू कहना है. अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमारे फ्रेंड्स को भी हमें सॉरी कहना है. ऐसा नहीं है सिर्फ बड़े और टीचर्स के साथ ही रिस्पेक्ट से बात करनी है नहीं आपको आपकी उम्र के फ्रेंड्स के साथ भी आपको रिस्पेक्ट से रहना है राइट. मैनर्स में रहना है राइट. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप किसी को अच्छे नहीं लगोगे. आप जो मैनर्स में रहते हैं जो बच्चे वही सब लोगों को अच्छा लगता है ना. तो आपको प्लीज़ थैंक यू सॉरी ये सब अगर जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर आपको यूज़ करने चाहिए राइट. I say sorry if I do something wrong यानी कि मैं गलत हूँ तो मैं sorry बोलूँगा right. I say beg your pardon. beg your pardon pardon mean pardon का meaning भी वो भी similar है sorry sorry और pardon दोनों का meaning same होता है okay. I say beg your pardon when I do not hear
व्हाट समवन सेज, यानी कि कोई हमसे बात करते हैं तो हमें कई बार ऐसा होता है कोई हमसे कुछ किया लेकिन हमें वो समझ में नहीं आया वो बात की वो क्या कहना चाहते हैं या हमें ठीक से सुने नहीं दिया कि वो क्या कह रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बेग योर पार्डन, ओके, यानी कि मुझे सुने नहीं दिया, सॉरी, आप फिर से रिपीट कीजिए, राइट, ऐसा उसका मीनिंग होता है। आई से एक्सक्यूज मी व्हेन आई स्नीज, एक्सक्यूज मी यानी एक्सक्यूज मी यानी वो भी उसका मीनिंग भी सॉरी जैसा ही होता है, यानी कि माफ़ कर दो, क्षमा कीजिए, राइट, जैसे हम लोग स्नीज करते हैं तो ऐसा छी ऐसा करते हैं, तो आजू बाजू कोई बैठे है तो आसपास हमारे लोग जो बैठे हैं उसको डिस्टर्ब होता है ना, तो हम लोग सॉरी पे कह सकते हैं, एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी वैसे भी बोल सकते हैं, जैसे कोई लोग स्नीज करते हैं तो वो लोग बोलते हैं सॉरी, और कोई लोग स्नीज करते हैं तो वो बोलते हैं एक्सक्यूज मी, राइट। तो ये अच्छी आदत है, ये सब हम किसी को थैंक यू बोलना, प्लीज़ बोलना, अगर कुछ हमें चाहिए होता है तो हमारी गलती हो तो हम सॉरी बोलना चाहिए, जब हम स्नीज और वो हमारी तो हम एक्सक्यूज़ मी और सॉरी बोलते, तो ये सब हमारी अच्छी आदतें हैं, राइट, ये सब हमें करना चाहिए, ओके। अलीशा है जो, अलीशा वो ये सब करती है इसीलिए उसको सब बोलते हैं कि शी इज़ अ गुड गर्ल, ऐसा बोलते हैं ना, उसने बोला था ना अलीशा को, अलीशा ने पीपल से दैट आई एम अ गुड गर्ल, इसीलिए उसे बोलते हैं कि वो अच्छी लड़की है, क्योंकि ये सब उसमें मैनर्स है, उसमें ये सब अच्छी आदतें हैं, हैबिट्स है, अच्छी गुड हैबिट्स है उसकी, ओके। तो आपको भी ऐसा बनना है ना, अगर आपको आप सब आपको आप ऐसा चाहे कि मुझे सब पसंद करे, तो आपको भी ये सब गुड मैनर्स और गुड हैबिट्स अपनानी होगी, है ना। आई वेक अप, W A K E U P up, I wake up early, E A R L Y, early यानी कि जल्दी, बहुत ही सुबह, in the morning यानी कि I wake up early in the morning यानी कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, and go to bed early at night, go to bed early at night यानी कि मैं early सो भी जाता हूँ, night को रात को मैं जल्दी सो भी जाता हूँ, मैं सुबह पे जल्दी उठ जाता हूँ और सुबह रात को जल्दी सो जाता हूँ, ये भी एक अच्छी आदत है ना, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सो जाना चाहिए, ये भी एक अच्छी आदत है, ओके। आई एम पंक्चुअल, इसको क्या रीड करते हैं, पंक्चुअल, पी यू एन सी टी यू ए एल, पी यू एन सी टी यू ए एल, आई एम पंक्चुअल यानी कि मैं हमेशा टाइम से ही सभी काम करता हूँ, आई एम पंक्चुअल यानी कि सभी काम में टाइम टू टाइम करता हूँ, टाइम से जो जिस काम का जो वक्त होता है वो टाइम में उसी वक्त करता हूँ, यानी कि आई एम पंक्चुअल, राइट। आई डू माई वर्क ऑन टाइम, आई डू माई वर्क ऑन टाइम यानी कि मेरा जो काम होता है वो टाइम पे फिनिश कर लेता हूँ, वो टाइम पे वो वर्क कर लेता हूँ, राइट। जैसे हमारा होमवर्क का टाइम स्कूल से आके फ्रेश होके या खाना खाने के बाद हमारा होमवर्क का टाइम है दोपहर को बैठने, तो अब मैं हमारा वो हमारा होमवर्क हम उसी टाइम पे कर लेते हैं, राइट। सो आई डू माई वर्क ऑन टाइम, आई रीच माई स्कूल बस स्टॉप, सॉरी, आई रीच माई स्कूल बस स्टॉप ऑन टाइम यानी कि मैं मेरी स्कूल की बस जहाँ बस स्टॉप होता है वहाँ पे मेरी स्कूल की बस आती है और मैं वहाँ पे टाइम पे पहुँच जाता हूँ, या ना, इसीलिए उस स्कूल बस का जो ड्राइवर होता है और उसमें जो बच्चे बैठते हैं उन लोगों की हमारी वजह से लेट नहीं होता है, राइट। मैं रीच यानी कि पहुँचना, आर ई ए सी एच, रीच यानी कि पहुँचना, तो मैं अपने स्कूल के जो स्कूल बस जहाँ पे आती है वो स्टॉप में मैं टाइम पे पहुँच जाता हूँ, राइट। I stand in a queue यानी कि मैं लाइन में ही खड़ा रहता हूँ, जब मेरा टर्न आता है तभी मैं बस में चढ़ता हूँ। देखो यहाँ पे कैसे स्टैंडिंग इन अ क्यू, यहाँ पे जो बच्चे खड़े हैं वो कैसे लाइन बनाकर खड़े हैं, एक के बाद एक चढ़ते हैं बस में, राइट। अगर एक साथ सभी बस में चढ़ जाओगे तो धक्का मुक्की होगी ना, तो वो एक दूसरे को गिर भी जा सकते हैं, राइट। तो मैं हमेशा क्यू में खड़ा रहता हूँ, है ना, और मेरा टर्न आता है जब तब भी मैं बस में चढ़ता हूँ, राइट। आई ऑलवेज कीप एवरीथिंग प्रॉपरली, आई कीप यानी कि रखना, एवरीथिंग यानी कि कोई भी चीज़ प्रॉपरली यानी कि उसकी जो जगह होती है वहाँ पे, आई ऑलवेज कीप एवरीथिंग प्रॉपरली यानी कि मैं हमेशा वो जो भी कोई चीज़ होती है वो मैं अपनी उसकी प्रॉपर प्लेस पे ही रखता हूँ, राइट।
I put my books back on the shelf after reading them. यानी कि मैं मेरी जो बुक्स होती है वो शेल्फ, यानी कि ये देखो या बुक शेल्फ है, देखो ऐसा आपका आपका कबर्ड होता है उसमें ऐसा शेल्फ, ये है ये शेल्फ है, उसके ऊपर ऐसे ही मैं रीड कर लेता हूँ बुक, तो वैसे ही मेरे शेल्फ पे रख देता हूँ जैसे पहले होती थी, राइट। मैं रीड करके कहीं जहाँ कहीं भी आप बुक रख देते हो घर में, नहीं, जहाँ जहाँ से मैंने बुक ली है रीड करके मैं वहाँ पे ही रख देता हूँ, राइट। I keep my toys at their proper place. यानी कि मम्मी ने आपके टॉयज के लिए भी एक जगह बनाई होगी, है ना, कोई कबर्ड होगा जिसमें सब सारे टॉयज रखते हैं, या कोई टब जैसा, या कोई भी चीज़ जो होती है जहाँ पे आप टॉयज रखते हो घर में, वैसा अपना अपने मम्मी ने भी आपके प्लेस के लिए कोई जगह रखी होगी, तो जहाँ से आप अपने टॉयज लो खेलने के लिए वहीं पे फिर से टॉयज रख देते हैं हम लोग उसकी प्रॉपर प्लेस पे, राइट। I always take care of my things. I always take care of my things. यानी कि मैं मेरी चीज़ों का ख्याल रखता हूँ, जैसे तैसे फेंक देता हूँ या तोड़ देता हूँ वैसे करता नहीं हूँ, मैं मेरी चीज़ जो होती है उसका ध्यान रखता हूँ, राइट। I never write or draw on the walls. मतलब मैं कभी लिखता और या ड्रॉ करता, कुछ भी ड्रॉ करना या कुछ भी लिखना, किसी को आदत होती है, किसी किसी बच्चे को अपनी घर की जो दीवारें होती है उस पर वो पेंसिल या पेन से ड्रॉ कर देते हैं, लिख देते हैं, तो ये सब गुड मैनर्स नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे घर की दीवारें हमें गंदी नहीं करनी चाहिए, हमारे घर की नहीं, सिर्फ कहीं भी आप स्कूल में जाओ तो स्कूल में भी जो दीवारें होती है वहाँ पे भी आपको कुछ नहीं लिखना होता है ना, लिखने के लिए हमारे पास बुक्स हैं, पेपर्स हैं, तो हमें उसमें ही ड्रॉ करना चाहिए और लिखना चाहिए, राइट। आई नेवर राइट और ड्रॉ ऑन द वॉल्स। आई ट्राई टू कीप माई स्कूल क्लीन, मतलब मैं मेरी स्कूल को क्लीन रखने की ट्राई करता हूँ, है ना, कोशिश करता हूँ कि मेरी स्कूल में मेरी स्कूल गंदी ना हो, यानी कि उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो शार्पन करते हैं वो डस्टबिन में डालते हैं, कोई भी कचरा होता है, कोई भी हमने रेप चॉकलेट खाई या वेफर खाई तो उसका जो रैपर होता है वो सब हम लोग डस्टबिन में डालते हैं ना, जो भी डस्ट है या जो भी कचरा है तो वो लोग हम डस्ट वो उसको हम डस्टबिन में डालते हैं, राइट। सो आई ट्राई टू कीप माई स्कूल क्लीन। आई ऑल्सो कीप माई होम क्लीन, यानी कि मैं अपनी स्कूल एंड मेरा होम, यानी कि घर में दोनों क्लीन रखता हूँ, कहीं कहीं कचरा कहीं भी फेंक देता हूँ नहीं, जो चीज़ जहाँ से उठाई है वहीं से रखते हैं हम लोग, यस, है ना, तो उसी ऐसा सब हम करेंगे तो ही हमारा स्कूल और घर हम क्लीन रख पाएंगे, राइट। आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ क्लीन एंड टाइडी। आई ऑलवेज यानी कि मैं हमेशा मेरी मैं अपने आप को क्लीन यानी कि साफ़ सुथरा एंड टाइडी, क्लीन एंड टाइडी यानी कि साफ़ सुथरा रखता हूँ, है ना, हम लोग हर रोज़ नहाते हैं क्योंकि हम क्लीन रहे, राइट। गंदे दिखते हैं तो आपको कोई पसंद करेगा नहीं, अगर आप क्लीन रहेंगे, आप हर रोज़ नहाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे वॉश करके, तो ही हम लोग अच्छे क्लीन रह पाएंगे, राइट, अच्छे दिखेंगे, है ना, तो ही हम सबको पसंद आएंगे, वरना आपको कोई बोलेगा नहीं, आपका कोई फ्रेंड्स भी नहीं बनेंगे, है ना। वी मस्ट बी वेल मैनर्ड, must यानी कि ज़रूरी, हमारे लिए वेल मैनर्ड में रहना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। सो दैट एवरी वन लव्स अस, यानी कि सो सभी हमें प्यार करते हैं ना, मम्मी पापा, हमारे फ्रेंड्स, हमारे टीचर्स, वो सब हमें प्यार करते हैं। अगर हम लोग वेल मैनर्ड में नहीं रहेंगे, किसी को भी बदतमीज़ी, किसी से भी बदतमीज़ी कर लेंगे, कोई किसी के मेहमान हम घर जाते हैं तो हम लोग कोई भी चीज़ उठा लेंगे, ऐसा करेंगे तो हमें कोई पसंद नहीं करेंगे ना, वो हमारी अच्छी आदत नहीं है, राइट। वी मस्ट हैव गुड हैबिट्स, यानी कि हम अच्छी आदतें होना बहुत ही ज़रूरी है, ओके। दे मेक एवरी वन हैप्पी, वो सबको खुश रखेंगे, ओके। सो टूडे यू हैव टू रीड दिस लेसन ऑन पेज नंबर 64. नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द एक्सरसाइजेस ऑफ lesson number 19, okay?